ये देखिए दोस्तों, हमने काफ़ी बड़ा मंगूर पकड़ा है और कांटे को पूरा निगल चुका है, देख सकते हैं आप। और काफ़ी बड़ा है यहाँ पे मंगूर, देख सकते हैं। इस प्रकार के मंगूर जो हैं बड़ी मुश्किल से पकड़े जाते हैं। सुबह के टाइम में यदि मांगूर मछली का आपने शिकार करना है तो आप सुबह के टाइम कीजिएगा, क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा पकड़ में आती है। थोड़ी से बड़ी मछली जो होती है वो सुबह के टाइम ही पकड़ी जाती है दोस्तों। आप ये इसको देख सकते हैं, ये ऐसी मछली होती है कि पानी नहीं भी होगा और जो गारा होती है उसके अंदर भी ये जीवित रह सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको ये मंगूर मछली पकड़ना अच्छा लगता है और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कैसे लगते हैं आपको ये मंगूर। अभी देख सकते हैं पूरी कांटे को जो है ये निकल चुके हैं। और इतना टाइम को ना, बड़े बड़े तालाब में मिलती है। और ये जो देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरे 2-3 किलो का मच्छर है दोस्तों। देखिए इस प्रकार की जो मांगूर मछली होती है वो बड़े तालाब या नहर की जो विद्रोह होती है उसमें मिलती है दोस्तों। और इसका चारा मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, आप उसका इस्तेमाल करके एक बार अजमास करके देखिएगा दोस्तों। जो वो चारा मैंने बताया है ना, उसमें 100% इसका शिकार होगा। और दूर से ही मतलब उस चारे को देख करके मछली आकर्षित होती है। अब इस वीडियो, ये वीडियो देख करके दूसरी वीडियो हमारी देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी ट्रिक बताई किस प्रकार से इसका चारा पकड़ने का, इसका चारा बनाना है आपने। और काफ़ी बड़ी मछली अभी हमने इसका सुबह सुबह शिकार किया है दोस्तों। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और कांटा गिरते ही ऐसे मतलब बहुत कम मांगूर हैं, फिर भी ये जो है चारा ऐसा बनाया है हमने कि दूर से आकर्षित कर लेता बड़ी से बड़ी मछली को। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पे जा कर के वो देख सकते हैं कि चारा जो हमने बताया है वो क्या होता है दोस्तों। ज़्यादातर तो ये मछली मांसाहारी होती है, मांस का शिकार जो है, मांस से जल्दी पकड़ी जाती है। लेकिन जो शाकाहारी चारा होता है उससे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। जो शाकाहारी चारा है वो मैंने बताया था कि भी आप पार्ले बिस्कुट का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा चून का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ब्रेड फिश आते हैं उसका इस्तेमाल करके आप जो है मांगूर मछली को पकड़ सकते हैं। और उसमें थोड़ा क्या है दोस्तों, अंडा भी मिक्स कर लीजिएगा और थोड़ा लहसुन। देखिए फिर आप ट्राई करके देखिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यदि आप इस प्रकार की ट्राई कर रहे हैं तो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि कैसा लगा आपको, कि उससे शिकार हुआ या नहीं। क्योंकि आपकी जब कमेंट आएंगी तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे साथी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, कि उनको भी ये जो है कारगर चारा है। और यदि मांगूर मछली का आपने शिकार करना है तो आप सुबह के टाइम कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मछली ऐसी होती है पूरे रात को ये ऐसे ही रहती है, लेकिन सुबह जल्दी ये शिकार पे निकलती है। और जो भी मतलब शिकार इसको सुबह के टाइम मिलता है उसको ये कर लेती है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप सुबह के 10 बजे के बाद जब इसका शिकार करना चाहोगे तो बड़ी मुश्किल से रियर चांस होता है दोस्तों, सुबह 10 बजे के बाद ये मछली नहीं चारे को पकड़ती है, क्योंकि उस टाइम तक ये अपना पेट भर चुकी होती है। ठीक है दोस्तों, और पेट भर चुका होगा तो ये मांस को नहीं पकड़ेगी, खाने को चारे का, आपके चारे को नहीं पकड़ेगी। तो इसीलिए आप इसको सुबह जल्दी इसका शिकार कीजिएगा, तभी जा कर के आप बड़ी मांगूर को पकड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी, और दोस्तों यदि आपको स्नैक हेड मछली पकड़नी है तो आप शाम के टाइम इसका मांस का इस्तेमाल करके उसको पकड़ सकते हैं।
मांगूर के लिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है और स्नैक हेड के लिए शाम का टाइम बहुत अच्छा रहता है। आप देख लीजिए आपको जो सूटेबल टाइम है, आपका जो शिकार पे निकलने का आपका टाइम है वो देख लीजिएगा कि आप किस टाइम जो है शिकार करने के लिए निकल रहे हो घर से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, क्योंकि हम मछलियों से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है जी, और दूसरी वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियो बना चुके हैं हम, और किस प्रकार से कौन सी मछली का चारा क्या है और किस प्रकार से हमने शिकार करना है वो सारी ट्रिक बताई गई हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यार, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, और जब हम वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आपका कमेंट भी जो आना ज़रूरी है उसका, ताकि हम उसका जवाब दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आपका दिन शुभ हो दोस्तों। और आप देख पा रहे हैं ये मांगूर, अभी हम इसको जो है इसका ये हुक निकालेंगे दोस्तों, काफ़ी मतलब अंदर तक जा चुका है, पूरे चारे को ये निकल गई है, पूरे चारे को निकल चुका है ये मछ, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो है तालाब भी मैं दिखा देता हूँ कौन सा तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है यहाँ पे और बहुत कम मछली हैं, लेकिन फिर भी हम जो है इसका शिकार कर लेते हैं, वो ट्रिक के ही कारण करते हैं, बिना ट्रिक इसका शिकार नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको तालाब भी दिखा देता हूँ कि कौन सा वो तालाब है जहाँ पर बड़ी से बड़ी मांगूर हैं, और हमारे इस तरफ दोस्तों हमारे इस तरफ काफ़ी बड़ी बड़ी मांगूर हैं, आप 10 किलो का मांगूर भी इस तालाब से पकड़ सकते हैं, बहुत पुराने पुराने जो हैं मांगूर इसमें हैं। और ये आप देख सकते हैं ये देसी मांगूर नहीं है दोस्तों, ये बड़ा वाला मांगूर है। ठीक है, देसी मांगूर छोटी होती है, ये मछली जो है ये मछली दोस्तों 10 किलो से ऊपर तक जा सकती है यदि पानी के अंदर इसको छोड़ दिया जाए और ना पकड़ा जाए तो, ये 10 किलो से भी ऊपर की मछली हो सकती है दोस्तों, और खाने में बड़ी टेस्टी होती है। मैं दिखाता हूँ आपको तालाब भी कि कौन सा तालाब है जो जिसमें ये पनपती है, तो देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये वो तालाब है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा तालाब है जहाँ पर ये, अभी हमने एक हुक और डाला हुआ है, ये देखिए एक हुक और डाला हुआ है, अभी इसमें भी कुछ फंसने वाला है, देखते हैं कब तक लग पाएगी। ये देखिए काफ़ी बड़ा तालाब है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और मांगूर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है दोस्तों, ये देखिए जहाँ पर इस प्रकार के मांगूर आपको वैसे नज़र नहीं आएंगी, लेकिन पानी के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी मांगूर हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ हो, बाय बाय दोस्तों।